बड़ौदा उपचुनाव को लेकर हलके के तमाम पार्टियों के नेता एक दूसरे को अपनी सियासी बयानों से छलनी कर रहे हैं। सोनीपत से बीजेपी सांसद रमेश कौशिक अपनी पार्टी के प्रचार के लिए बड़ौदा हलके के गांव में दौरा करने पहुंचे थे। उन्होंने अपने विरोधियों पर कटाक्ष करते हुए लोगों से अपील की कि बाहरी लोगों को गांव में घुसने मत दो, ये वो लोग हैं जो झूठ बोलकर वोट ले जाएंगे और फिर अगले चुनाव तक यहां दिखाई भी नहीं देंगे। ऐसे लोगों को कहां कहां ढूंढते फिरोगे, कहा कि वो तो खुद यहां के हैं और यहीं के रहेंगे। एमपी रहते हुए भी वो अपने हलके के लिए विधायक के काम कर रहे हैं और यहां विकास करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। अच्छा, मैं ताल भी कर रहा था तो ये जो दूसरे नेता अंदर लागे ना जाए ताना पड़ा मेरे को दूसरे यहाँ ताले ये सारे अंडरडे में हटक कदम उतार रहे हैं। और मैं एक बात कहूँ, ये बार आने पटकन मत दो, चाहे कोई हो, ये सिर्फ झूठ बोल के जाएंगे यहाँ, फिर कोई टोया नहीं पावे। अब मन ने मान लो कोई बात यारे कह दी, अरे मन ने तुम जानो मैं तुम न जानो, मन ने फिर भी आना पड़ेगा, मेरे तो भी आ जाए किटो हो गए और क्या है यहाँ पर वालू इन पर। कुछ और आ जाएंगे और जितने काम इन्हें दिए है मैं तो बड़ा ये मानता हूँ, अगर अहमदपुर माजरे के काम पिछले 5 साल में रहती अपने टाइम पर अपने पर नहीं हुए थे, इन्हें कोई नहीं करेगा, इसलिए इसके लिए चिंता ना करो, काम डालकर करेंगे, वो करना है। और एक बात है, इतना ही नहीं उन्होंने एक बयान से जनता को ये संदेश दे दिया है कि अगर उनकी पार्टी का विधायक यहाँ से नहीं बना तो विधायक के काम की उम्मीद मत करना, क्योंकि उसके बाद भी 4 साल तक बीजेपी ही सत्ता में रहेगी। चुनाव है, कई उसका पुराने का बयान आया है, हम तो नो कर देंगे, मगर के करोगे, सरकार तो बन रही है, जब विरोध एमएलए नहीं था तब भी बन रही है, अरे मुख्यमंत्री 4 साल तक रहेगा, इतने का टाइम है, सरकार तो रहेगी, आगे आके देख लेंगे। अगर थारे हिसाब पे अटकी पड़ती अभी भी ना बढ़े। मैं एक बात कहूँ भाई, ये विरोध हल्के विकास के लिए जेल लाज लो, एमएलए होगा ज्यादा काम हो जाएंगे, मैं तो जबरदस्ती कर रहा हूँ कि मेरे तो 600 गाँव है। उन्होंने अपने इस बयान से ये साफ कर दिया है कि अगर किसी और पार्टी का विधायक यहाँ से जीतता है तो सत्ता में दूसरी पार्टी होने के चलते उनके विकास कार्य में बाधा आ सकती है। बहरहाल बड़ौदा उपचुनाव की ये सीट किस पार्टी की झोली में जाती है ये आने वाला वक्त बताएगा। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी।